गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 4 आई है। ये आपकी जेनरिक वर्कशीट है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आई है, तो मैं दोनों में बनाऊंगी, आप लोग ले लेंगे। ये 7th और 8th क्लास की सेम है। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल करेंगे, डेट डालेंगे, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिखेंगे। देखिए वर्कशीट जेनरिक ज़रूर है लेकिन विज्ञान के सब्जेक्ट की है, यानी साइंस की है, तो आप साइंस की कॉपी में कर सकते हैं। अब यहाँ आपको जो दिया गया है, आज हम पढ़ेंगे COVID-19 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ लिखा है आज कुछ जानकारी की पुनरावृत्ति करते हैं, यानी कि कुछ ऐसी जानकारी है जिसको हम लोग रिवाइज करते हैं। अब यहाँ आपको फर्स्ट पॉइंट दिया गया है वैश्विक महामारी WHO, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक ऐसे संक्रमण रोग है जो बहुत तेज़ी से विश्व में बड़ी आबादी को संक्रमित कर प्रभावित करता है, यानी कि ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैल रही है और पूरे विश्व में फैल रही है। COVID-19 एक वैश्विक महामारी है, यानी ये पूरे विश्व के लेवल पर है। ये कोरोना विषाणु से होने वाला रोग है। इसका पता पहली बार 2019 में लगाया था, ठीक है, यानी कि इसका जो सबसे पहले हमें पता चला है 2019 में पता चला है। स्टार्टिंग मार्च से तब लगा था ये, है ना, नहीं दिसंबर, लास्ट दिसंबर था 2019, लास्ट दिसंबर था, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं इसीलिए इसे COVID-19 कहा जाता है, क्योंकि ये कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं आज हमारे पास इस रोग से बचाव के लिए टीका उपलब्ध है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोविशील्ड या वैक्सीन, कोविड वैक्सीन या फिर आपका स्पुटनिक बोलते हैं, ये तीन आपके नाम हैं इसके। आगे बताया गया है आपने बड़ों जैसे माता पिता और बड़े भाई बहन आदि को जल्द से जल्द कोविड का टीका लगवाने के लिए कहिए, और मेरे स्कूल में भी लग रहा है, हर स्कूल में कहीं ना कहीं सेंटर बनाए गए हैं और वहाँ वहाँ ये टीका लगाया जा रहा है, तो आप लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे और लगवाएंगे अगर नहीं लगवाया है तो, है ना। अपने आप को कोविड संक्रमित से बचाने के लिए कोविड उचित व्यवहार का अनुपालन और आदत डालें, यानी कि जो कोरोना से बचने के लिए दिए गए हैं कि आप ऐसे से बच सकते हैं, उस चीज़ का ख्याल रखें और अपने आप को कोरोना से बचाएं, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे, क्योंकि आज ही आपकी वर्क पहली है। देखिए लिखा है कि दिए गए ग्रेड्स में निम्नलिखित शब्दों को अंकित कीजिए। अब ये आपके ऐसे ऐसे कैसे भी हो सकते हैं, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, ठीक है। जैसे कोविड है तो देखिए कोविड ऐसे चला, ठीक है। अब यहाँ लिखा है पैडेमिक, ठीक है, आप पैडेमिक कैसे चलेगा, तो आप पैडेमिक ढूंढिए इसमें। ये रहा आपका पैडेमिक, ठीक है, उल्टा चल दिया। आगे आपका यहाँ देखा है कोविशील्ड लिखा है, तो कोविशील्ड क्या है जल्दी से बताइए। देखिए कोविशील्ड ये कोविक्सिन है, ये रहा, है ना। अब कोविशील्ड और देख लीजिए जल्दी से कि कहाँ है। ये रहा आपका COVL, है ना, HILD यहाँ तक, ठीक है, ये थर्ड नंबर का भी हो गया। अब हम बात करते हैं आपकी SPUTINK, स्पिटिंग, ठीक है, इसको देख लेते हैं कि ये कहाँ है। ये देखिए यहाँ से है SPUTNIK, ठीक है। अब बात करते हैं आपके वैक्सीन की, ठीक है, तो आप बताइए वैक्सीन कहाँ है। ये देखिए VACCINE, वैक्सीन, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आता है सैनिटाइज़र, तो सैनिटाइज़र कहाँ है, यहाँ से आप लिखेंगे ये है आपका सैनिटाइज़र, ठीक है। इसके बाद अब आपका क्या बनता है, बचता है हेल्थ डिजीज़, है ना, फिर इन्फेक्शंस, ठीक है। तो अब हेल्थ देख लेते हैं कि हेल्थ का है, ये रहा आपका हेल्थ, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, ये है आपका डिजीज़, तो डिजीज़ को देखते हैं, ये यहाँ से आपका डिजीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट आपका क्या बचता है, इन्फेक्शनस, ठीक है, तो इन्फेक्शनस ये रहा आपका, क्लियर है। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए, अब आप लोग सारे आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है स्वयं को जांचें, कोविड का पूरा नाम क्या है, इसे समुदाय में फैलने से कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है हम अपने आप को कोविड संक्रमण से कैसे बचा सकते हैं, तो ये दो क्वेश्चन हैं, इन दोनों के आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि कोरोना वायरस डिजीज 2019, ठीक है। चलिए इसी का अगला पढ़ते हैं।
दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था आपसे कि अपने आप को हम कैसे बचा सकते हैं, तो ये वही बात आप लिख लेंगे जो भी ऊपर लिखी हुई थी कि हम अपने आप को COVID-19 से उचित जो आपके व्यवहार बताए गए हैं, जो अनुपालन बताए गए हैं, जो आदतें बताई गई हैं वो डाल के, जैसे मास्क लगाना, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको यही बताया गया है ना, तो उसे भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका आंसर फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट है, उसमें दो चीज़ें पूछी गई थी ना, कि पहला पूछा आपसे कोरोना का वो क्या, तो वो बता दिया, उसके बाद उसी में पूछते हैं कि अपने आप को हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अगले का आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, मास्क पहने, वही नकाब पहने, अपने हाथों को साफ रखें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, टीका लगाएं, यही सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। अब उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, आज की वर्षीट बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।